गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस सिन्हा। आज मैं आप लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी न्यू लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के साथ और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जितने लोग हैं, आज जो है ना मम्मी जी चिकन बनाई हैं, वो भी कुकर में बैंगलोर में, तो आप लोग सब देखना कैसे वो कैसे बनाते हैं चिकन। तो मम्मी जी तो यहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा उनको बोलूं कि आप जो चिकन बना रहे हो आप वीडियो बना के मुझे भेज देना, तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेज दिया है। तो गाइज़ आप लोग देखना कि वो कैसा चिकन बनाई है, और आप कुकर में उस तरह से फॉलो करके बना सकते हो, काफ़ी अच्छा बनाई है तो आप लोग बना सकते हो। और मैंने उनको बोला था कि आप बनाना, तो उन्होंने भेज दिया, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं मम्मी जी ने कैसा बनाया है चिकन। इसमें भूख लगाया है जीरा, अच्छा पत्ता, लाल मिर्च और प्याज, इसको प्रेशर लगा दिए, तीन प्रेशर लगा के। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, इसको हम डालेंगे, इसको डाल के मसाला फ्राई करेंगे। इसको इसी में ही पर दिखाना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, हमको नहीं दिखाना, इसको दिखाओ खाली बात। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने, अब इससे आपको हल्दी डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, स्वाद के अनुसार मिर्चा डालिए आप। धनिया पाउडर जरा सा थोड़ी नाम का स्वाद के लिए धनिया पाउडर डाल देते हैं, इस मसाला को हम भेज रहे हैं। कितना अच्छा से फ्राई हो गया है चिकन, और ये बढ़िया से लाल हो गया, भुजा गया है बहुत अच्छा से। इसको खाने में थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, उसके बाद हल्का सा ग्रेवी रहेगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ग्रेवी रहेगा इसमें। फ्राई हो गया बढ़िया चिकन बन गया।
इसमें हमने गरम मसाला थोड़ा डाल दिया, पानी छूट गया था, गरम मसाला थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला हमने। अब इसमें ये कलर आ रही है, गरम मसाला हमने डाल दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे, बढ़िया से भूंजेंगे जब तक इसका पानी पूरा नहीं सूखेगा, उसके बाद इसको पूरा भूजते रहेंगे। कलर कैसा है आपको, कलर कैसा लग रहा है चिकन का, अभी फ्राई होगा। इसको वही सिम पर ही करके फ्राई कर रहे हैं, झाँक कर भूज रहे हैं इसको। अगर मम्मी जी के हाथों का चिकन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो इसी तरह मैं न्यू ब्लॉग लाती रहूँगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दिया है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।